तो भाई लोग अंधेरा भाई मेरे को व्हाट्सएप पे एक वीडियो भेजते हैं गाइस, जिस वीडियो के अंदर आप लोगों को देखने को मिल सकती है कुछ बंदे जो कि गाइस मेरी इंसल्ट कर रहे हैं। अंधेरा के ग्रुप में थे दो लड़कियां एंड एक लड़का, जिनमें से गाइस एक लड़की के पास था सीजन 2 और गाइस बहुत ओपी कलेक्शन वाली आईडी थी एंड बहुत पुरानी प्लेयर थी। भाई वो सब मिलके भाई मेरी इंसल्ट करते हैं एंड गाइस आप लोगों को आगे कुछ क्लिप दिखाऊंगा, आप लोग खुद से देखना। अंधेरा की जो गिल्ड लीडर है कार्ल व्हाइट, इसको जानते हो क्या? अरे हाँ भी जानती हूँ, उसके 1 मिलियन सब्सक्राइबर हैं यूट्यूब पे। अरे हाँ हाँ, उसे वो जो कार्ल व्हाइट को मैं भी पहचानता हूँ, वो जो स्क्रिप्टेड वीडियो बनाता है, एक नंबर का निभा है वो। और सिर्फ स्क्रिप्टेड वीडियो डालता है, मैं उसको 1v1 में ही मार दूँ ना, क्या है सब। मैं तो 1 सेकंड में ही गेम खत्म कर दूँ। अरे मुक्के से मार दोगे आप दोनों? तो क्या ऐसे मुक्का मारूंगी, ऐसे उड़ जाएगा कहां से कहां। आया बड़ा कई लोगों की वजह से हमारी इंसल्ट होती है, पता है क्या मतलब? हाँ, तो पता नहीं कैसे 1 मिलियन सब्सक्राइबर, मैं यही सोचती हूँ कहीं उसने सब्सक्राइबर भी तो नहीं बढ़वाए। छपरी यूट्यूबर्स की कमी नहीं है, ऐसे ही छपड़े होगा कहीं से उठ के आ गया। हाँ दी सही बोली। अरे नुबड़ा है, नुबड़े की बात क्या करे, चलो हम लोग जाते हैं दूसरे ग्रुप पे खेलते हैं। नुबड़े के गिल्ड लीडर वाले इस अंधेरा से दूर रहो। ये भी नूब नहीं होगा ना, नूब कहीं का। तो भाई लोग यार आप लोगों ने देखा कि भाई कैसे वो लड़कियां गाइस मेरी इंसल्ट कर रही थी, मतलब भाई मेरी पीठ पीछे और भाई वो लड़का भी। तो गाइस अभी चलो यार अंधेरा को जल्दी जल्दी से बुलाते हैं, गाइस पूछते हैं कि भाई कहाँ पे है वो। अंधेरा भाई जल्दी से आ जा। अरे अंधेरा भाई जल्दी जल्दी से बुला उनको, भाई क्या ही बेइज्जती कर रही है मतलब मेरी पीठ पीछे है। इनवाइट कर उनको जल्दी जल्दी, ऑनलाइन है क्या? ऑनलाइन ही है वो लोग, मैं बुला रहा हूं। अच्छा अच्छा, है कौन थे वो? अरे क्या मेरे फ्रेंड लिस्ट का ही बंदा है, ठीक है, एक एस नाम का और जान भी दिया और एक बंदा था, तीनों मिल गए यार, गजब भेजते यार छाबड़ी इधर, क्या ही है ना बोल रहा था यार। अच्छा अच्छा, बुला तो बुला उनको, बुला 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 उनको बुला। अरे 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 अरे, हाँ अरे क्या हुआ, तुम क्या बोल रहे थे अंधेरा को? कहाँ क्या बोल रहे थे? नहीं तुम मैं आपका बहुत बड़ी फैन हूँ, मैं आपको रिक्वेस्ट भेजूँ क्या, बता उठाओगे? अरे कुछ भी मतलब, अभी अभी मेरे को तुम्हारे बारे में कुछ पता चला था। हाँ अभी मुखिया, हेलो। अबे हाँ बोल, क्या हुआ? अरे क्या बोल रहा था भाई तू अंधेरा के सामने मेरे बारे में? अबे भाई जो बात सही है वही बात बोल रहा था ना, क्यों क्या हो रहा है? क्या मतलब, क्या तुमको मैं नूब लगता हूँ, स्कैमर लगता हूँ? मतलब भाई मैं यूट्यूबर बनने की औकात नहीं है, तुमको ऐसा लगता है? अब बोल रही है कि रिक्वेस्ट उठा लो, वाह मतलब समझ रहे हो अंधेरा भाई, तू नूब नहीं निब्बा लग रहा है तू, पता है क्या, बॉट भी नहीं तू, निब्बा है निब्बा, खेलना बिलना आता नहीं है तेरे को, पता है भाई, पहचानता हूँ तू कौन है बोल के। अरे अरे तुम सुनो 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 सुनो, तुम ना पीठ पीछे ही वो कर सकते हो, और देखो ना अभी आगे आके कैसे बोल रही थी, काल सर रिक्वेस्ट ले लो, अभी देखो कैसे बोल रही थी, मतलब अभी अपनी औकात पे आ गई। अबे तुझे चिढ़ाने के लिए बोल रही थी वो, सच में नहीं बोल रही थी ये तो कोई बात क्या। देखो 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 देखो, औकात यही से पता चल जाती है, ठीक है, ज्यादा मत बोलो मेरे सामने, ठीक है? अबे निब्बा रिक्वेस्ट मत हो ना, नूब हो ऐसे भी, क्या कर सकता है, ऐसे मुक्का मार के मारूंगी ना। आया बड़ा क्या क्या, जो ज्यादा नहीं बोल रही है, चल निकल इधर से। हाँ क्या भाई, क्या तुझे कोई दिक्कत है क्या, ये बोल। अबे तू नूबड़ा ही है भाई, किक क्यों कर रहा है ना? भाई मैं तो ऐसे ही करूंगा, बुला के दिखाओ उसको, मैं फिर किक करूंगा। सुन, जब तुम भाई खुद की तुम्हारी कुछ औकात नहीं है, बस पीठ पीछे बुराई कर सकते हो, सामने आके तुम भाई भाई रिक्वेस्ट उठा लो ये सब बोलते हो, ये आ गई पीछे नूबड़ी। हमारी बेइज्जती होगी भाई, हमारी बेइज्जती होगी तेरे साथ कस्टम करेंगे भाई, सीजन 2 का बेइज्जती। क्या बोल रहे थे तुम, स्क्रिप्टेड वीडियो बनाता है, आ जाओ ना पता चल जाएगा ना कस्टम में। अबे तू स्क्रिप्टेड तो वीडियो बनाता है भाई, तेरे को आंदा नहीं रहा मैं तो सुन ना, स्क्रिप्टेड तो तुझे लगती होगी ना, अभी रियल रियली में तुम भी यहाँ पे पास में और मैं भी हूँ इधर पे, देख लेते हैं कस्टम करके। अबे भाई तू जितना भी उड़ ले भाई, तू सीजन 2 ज्ञान सूजन के, सुन सुन ज्ञान सूजन कर, वो ड्रेसअप डाल के खुद को ज्ञान मत समझ, इधर पे ही पकड़ के मार दूंगा तुम्हें। अबे सुन, क्या तुझे ना तू नूबड़ा है भाई, तेरे साथ कस्टम भी, अबे इसके साथ नहीं खेलना मतलब, समझे ना, खेलेंगे खुद हमारी इंसल्ट होगी भाई। अरे ये लड़की देखना तुम्हारी कैसे बोल रही थी, सर प्लीज रिक्वेस्ट ले लो। इधर पे आके बोल, इसलिए सुन, तुझे इसलिए बोला था, पता है क्या मतलब, तेरा मतलब वो टेस्ट कर रही थी, मतलब क्या मतलब हमें क्या पता है कि मतलब तू लड़कियों के साथ बहुत फ्लर्ट करता है, फ्लर्ट भी करता है ना तू लड़कियों के साथ। भाई भाई कुछ भी मतलब, कुछ भी नशे वशे की हो क्या भाई तू, मतलब कुछ भी जो भी तुम्हारे मुंह में आ रहा है बस वही बके जा रहे हो।
अबे तू निब्बा है, नूबड़ा है, एक नंबर का बॉट है। तूने मतलब ये तूने जो तू सुन ये बता, तूने ये आईडी कहाँ से लाया ये बोल। तूने भाई आईडी आईडी मैंने परचेज किया है, समझ रहा है? और वो भी तेरी औकात है क्या भाई परचेज करने के लिए? तो भाई 1 मिलियन पे बैठा हो तो इतनी भी नहीं होगी क्या भाई? 1 मिलियन होने से क्या होता है भाई? बनाते हो 1v2 करता हूँ, आ जाओ ठीक है। क्या बोला, माइक से ही कर ले। मैं ये बोल रहा हूँ नूबड़ी कहीं की बोल रहा हूँ, 1v2 करूंगा तुम्हारे साथ ठीक है, आ जाओ देखता हूँ। तो बोलते हो स्क्रिप्टेड वीडियो बनाता है, किसको बोल रहा है तू? मैं इसको बोल रहा हूँ नूबड़ी और तू है नूबड़ा, तू बोट है। अबे बोट बड़ी है, डिब्बा है। तू कस्टम में आ जाना, उधर पे बताता हूँ ना, कस्टम में आ चल ठीक है। अरे कस्टम में देखा जाएगा, ज्यादा उड़ रहा है। तेरे को क्या बोलते हैं, मुक्के से मारूंगा देख। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, 1v2 ओके ओके मैं बना रहा हूँ ठीक है, आ जाओ आ जाओ भाई। मतलब गाइस देख रहे हो, मतलब बिना किसी मतलब के भाई पीठ पीछे भाई बेइज्जती कर रहे हैं भाई। कुछ होते हैं बंदे, बस मतलब भाई बंदे देख के इतना चिढ़ते हैं ना भाई, क्या ही बोले, हेटर्स हैं। लेकिन गाइस हेटर से ज़्यादा हमारे प्यार करने वाले आप जैसी ऑडियंस है। तो गाइस नीचे कमेंट करके बताना कि आप लोग कितना पसंद करते हो मेरे को, मतलब 10 में से कितना परसेंट पसंद करते हो, मतलब उतने नंबर देना। तो भाई लोग यहाँ पे फाइनली कस्टम स्टार्ट हो जाता है। कस्टम स्टार्ट होने के बाद गाइस यहाँ पे बहुत तगड़े वाली फाइट चलती है, जिसमें गाइस सामने वो लड़की और लड़का भाई मेरे को मारने के लिए पूरे उत्सुक थे, मतलब भाई पूरा मौका नहीं छोड़ रहे थे। एंड इधर पे गाइस मैं आगे की तरफ बढ़ता हूँ, मारने का ट्राई करता हूँ, बट गाइस ये बंदे भाई कहीं से मतलब एक इधर को मारने का ट्राई कर रहा हूँ, उधर से दूसरा बंदा आ जा रहा है। तो बहुत मुश्किलों के बाद भाई मैं अब इनको अकेला अकेला पकड़ रहा था कि भाई इनको अकेला बुलाऊंगा एंड फिर इनको मारूंगा। तो गाइस यहाँ पे भाई जैसे ही अकेला आता है इसको बिल्कुल ओपी वाला वन टैप लगता है। एंड गाइस इसको इमोट वगैरह दिखाने के बाद वो लड़की के मैं पास जाता हूँ ताकि वो लड़की को मैं मार सकूँ। एंड गाइस चाहते ही भाई बिल्कुल ओपी वाला वन टैप एंड गाइस साथ में इमोट का एक बिल्कुल खजाना सा दे देता हूँ उनको। तो भाई ऐसे करते करते भाई हम एक एक पे पहुँच जाते हैं। और गाइस सेकंड राउंड में भाई मेरे को UMP के स्प्रे के साथ बहुत गंदे तरीके से वो मार देता है भाई, जिसकी कोई मतलब हद ही नहीं है भाई, इतनी मतलब बुरी तरह से मेरी मौत होती है। और यहाँ पे थोड़ा सा मैं डर जाता हूँ कि भाई बंदे थोड़ा अच्छा खेल रहे हैं एंड भाई जोश जोश में इनको चैलेंज तो दे दिया है, बट गाइस यहाँ पे भाई इंसल्ट भी हो सकती है। लेकिन यहाँ पे भाई फिर से मेरे को ये अकेला मिल जाता है एंड गाइस जाते इसको ओपी वाला वन टैप लगता है। तो यहाँ पे भाई बहुत तगड़े तगड़े वन टैप भाई मैं मार रहा था। एंड गाइस यहाँ पे इस बंदे को मारने के बाद मैं सामने फिर से उस लड़की पे रश कर देता हूँ। भाई ये शुक्र है एक एक करके आ रहे थे, जिसमें मेरे को थोड़ा सा फायदा हो रहा था। एंड इधर पे भाई वन टैप का पूरा ट्राई करता रहता हूँ। और गाइस जब तक इस लड़की को वन टैप लगता है ना भाई सब्सक्राइब कर दो, देखो गाइस सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। और हाँ अब तो भाई लाइक भी होना चाहिए, देखो भाई कितना गंदे वाला हेडशॉट लगा है, मतलब भाई क्या ही बोले भाई, इसके तो पूरे सर से भाई खून ही खून निकल रहा होगा। तो यहाँ पे भाई फिर इस बंदे के साथ बस फाइट हो जाती है। एंड गाइस ये जैसे ही बैठता है मतलब इसका वॉल वगैरह मिस हो जाता है, तब तक गाइस मैं इसको डाउन कर देता हूँ। मतलब भाई तुम्हारे भाई के सामने अगर जरा सी भी गलती करोगे ना गेम प्ले में तो भाई पूरा हेडशॉट लगे बिना तो बात नहीं होगी। तो यहाँ पे भाई इस बंदे को मारने के बाद फिर भाई लास्ट में ये वाली लड़की के साथ फाइट होना स्टार्ट हो जाता है। तो भाई लोग यहाँ पे जल्दी जल्दी से वॉल मारता हूँ, फिर आगे की तरफ एंटर करता हूँ। मतलब भाई ये लड़की जोन में एंटर होने ही नहीं दे रही थी। एंड इधर पे आते भाई क्या ही वन टैप देती है भाई, सच में एक बार का तो फिर से मैं डर जाता हूँ। तो यहाँ पे भाई फिर से मैं इसके साथ लड़ना स्टार्ट हो जाता हूँ। एंड इधर पे गाइस इसको बॉडी डैमेज के साथ मैं मार देता हूँ। एंड गाइस इधर पे इमोट मारता हूँ, तब तक भाई जो इसका टीममेट है वो पीछे से आ जाता है। एंड भाई अभी मैं सोच रहा था कि भाई इसके टीममेट को इमोट शॉट मारूंगा। एंड गाइस वो बंदा गोल्डन शर्ट पहन के आगे की तरफ आता जा रहा था। एंड गाइस इधर पे भाई मैं बिल्कुल मुंह पे चला जाता हूँ, वन टैप मिस होता है, बट गाइस फिर से दोबारा से ट्राई करता हूँ, बॉडी डैमेज चिपकता है। इधर पे गाइस मैं बिल्कुल इमोट मारता हूँ। एंड गाइस जैसे ही बाहर की तरफ आता है बिल्कुल ओपी वाला वन टैप। एंड गाइस ये राउंड भी हमारे नाम हो जाता है। 3-3 राउंड हो चुके थे जो कि भाई बहुत मतलब थोड़ा सुकून दे रहे थे कि भाई हाँ मैं बराबरी कर रहा हूँ। तो भाई यहाँ पे लड़की जैसे ही निकलती है मतलब भाई आते ही निकलती है। एंड गाइस इसको बिल्कुल ओपी वाला वन टैप लगता है। एंड इधर पे गाइस इसके साथ नेट मतलब इसके साथ लड़ते लड़ते मेरा नेटवर्क चला जाता है। देखो गाइस 999 हो गया है भाई, क्या करें भाई, जब किस्मत लेती है ना तो भाई ऐसे ही लेती है। तो यहाँ पे भाई लड़ते लड़ते नेटवर्क जाने की वजह से गाइस यहाँ पे भाई मतलब ये बंदा मारता नहीं है, समझ जाता है कि भाई नेटवर्क वगैरह का इशू हुआ है। एंड इधर पे गाइस मेरा इतना वॉल लग रहा था कि भाई मतलब पूरा का पूरा ऐसे लग रहा था कि भाई यहाँ पे कोई बर्फ पड़ गई हो। तो यहाँ पे भाई ये season 2 वाला बंदा सामने की तरफ आ जाता है। एंड गाइस इधर पे अंदर जाने में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, तो यहाँ पे भाई कैसे ना कैसे करके वॉल वगैरह मार के मैं पीछे की तरफ से जाता हूँ, क्योंकि गाइस मेरा वॉल हट ही नहीं रहा था। मतलब भाई आप लोगों को पता है 3 वॉल के बाद अपना पिछले वाला वॉल हट जाता है, बट इधर पे तो भाई इतना वॉल लग चुका था कि भाई मैं चाहे कितनी वॉल हटा लूँ भाई पिछले वाली वॉल तो हटने का नाम ही नहीं ले रही थी। तो यहाँ पे बाहर आने की जैसी कोशिश करता है भाई थोड़ा सा मिस होता है। एंड इधर पे भाई इसको वन टैप तो देना ही था, तो यहाँ पे भाई वन टैप तो नहीं देता बट गाइस इसको थोड़ा स्प्रे देता हूँ, जिसमें से एक हेडशॉट लगता है। एंड गाइस ये बंदा खत्म हो जाता है।
तो यहाँ पे भाई चार राउंड हो चुके थे, बहुत ओपी वाला गेम प्ले हो रहा था। एंड भाई गोल्डन शेड वाला बंदा था ना गाइस, इसको तो हवा ही नहीं लग रही थी, मतलब जब भी आ रहा है भाई आते ही वन टैप खा रहा है भाई लिटरली। भाई इस बंदे को ना ऐसा लग रहा होगा कि भाई मैंने कुछ हैक वैक लगा रखा है, कुछ स्क्रिप्ट वगैरह लगा रखी है, लेकिन कुछ ऐसा नहीं था गाइस। एंड गाइस इसको पैक करने के बाद बहुत गंदे वाला इसके साथ इमोट वगैरह इसको दिखाए जाते हैं भाई, मतलब ये बंदा सोच रहा होगा कि भाई मैं कहाँ आ गया, मैं गोभी खो तुझो यहाँ पे आया हूँ। तो गाइस इस पे भाई ये बंदे को मारने के बाद बाहर की तरफ निकलता हूँ भाई। वो लड़की भाई अब की बार मतलब सच में कोई मतलब भूत भूत डाल लेती है अपने अंदर, मतलब क्या ही बोले, उसको बाबा बाबा को दिखाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे बच जाते तो इतना गंदा वन टैप मारते हैं कि भाई मैं भाई मतलब बौखला जाता हूँ कि भाई ये लड़की इतना अच्छा खेल रही है तो कैसे है? मतलब आप लोग को पता है कि लड़कियाँ बहुत अच्छा नहीं खेल पाती, मतलब नॉर्मली खेल पाती हैं, कुछ कुछ होती हैं जो अच्छा खेल लेती हैं। तो यहाँ पे भाई फिर से ये गोल्डन शेड वाला बंदा आता है सीजन टू का, तो यहाँ पे भाई जैसे आता है फिर से इसको वन टैप लगता है एंड गाइस फिर से इसको इमोट दिखाए जाते हैं। और गाइस अभी फिर से भाई उस लड़की के साथ मेरी फाइट होना स्टार्ट हो जाती है, और भाई वो लड़की भाई इस लड़के से अच्छा खेल रही थी भाई सही में। और भाई ये लड़की भाई क्या ही मूवमेंट दिखा रही थी, मतलब मूवमेंट वगैरह भी बहुत ज़्यादा अच्छी थी इस लड़की की। तो यहाँ पे बाहर की तरफ आती है, थोड़ा मिस होता है भाई, मेरा ही हेलमेट उतार देती है, मतलब क्या बोले भाई, मैं उसका हेलमेट उतारने की कोशिश कर रहा हूँ, वो मेरा ही हेलमेट उतार देती है। तो यहाँ पे भाई ये भी वॉल वगैरह अच्छे से मार रही थी, मतलब सब कुछ अच्छे से कर रही थी, तो भाई मैं समझ जाता हूँ कि भाई इसको हल्के में नहीं लेना चाहिए। तो यहाँ पे बाहर की तरफ आता हूँ भाई, फिर से वन टैप लग जाता है भाई, मैं पूरा कन्फर्म हो जाता हूँ कि भाई इस हल्के में नहीं लेना है। तो गाइस यहाँ पे भाई अगला राउंड स्टार्ट हो जाता है, पाँच पाँच पे कहानी आ जाती है। एंड इधर पे मारने का ट्राई करता हूँ नहीं लगता, फिर मारने का ट्राई करता हूँ नहीं लगता। तो यहाँ पे भाई मेरे को लग रहा था कि भाई मेरी शक्तियाँ काम नहीं कर रही है, लेकिन कैसे एकदम से मेरे अंदर शक्ति आती है, फिर से वन टैप इसको मारने के बाद फिर वो लड़की को मारने की कोशिश करता हूँ भाई, ये लड़की फिर से अच्छी मूवमेंट पर खेलना स्टार्ट कर देती है। तो यहाँ पे भाई एम लेने का ट्राई करता हूँ, एंड इधर पे आके भाई मैं पूरा इमोट शॉट की तैयारी कर रहा था, एंड इधर पे भाई 87 का एक हेड शॉट देता हूँ बाकी बॉडी डैमेज, एंड इधर पे फिर इसके ऊपर रश कर देता हूँ। तो भाई चलो चलो इसको जल्दी से मारेंगे, ये चीज़ सोच रहा था। एंड गाइस यहाँ पे भाई मेरे अंदर का भी भूत अब जाग गया था, तो भाई वो भी अपनी शक्तियों का अच्छे से प्रदर्शन करता है, एंड गाइस फिर से इसको एक हेड शॉट लग जाता है। तो गाइस यहाँ पे भाई 6 राउंड में लेके जा चुका था, लास्ट राउंड था भाई, लास्ट राउंड अगर मैं लेके चला जाता ना भाई, भाई मतलब मज़े ही आ जाते हैं भाई इन लड़कियों को और इस लड़के की, बिल्कुल आकल मतलब अकल इनके ठिकाने लग जाती, मतलब इनमें से एक लड़की तो आती नहीं है भाई। 2v1 का चैलेंज था, एंड गाइस इधर पे भाई वन टैप का ट्राई करता हूँ, फिर भाई ये जैसी थोड़ी सी दिखती है भाई उतने में ही वन टैप दे देता हूँ इसको। तो यहाँ पे भाई इसको भी वन टैप मारने की सोच रहा था कि भाई इसको भी वन टैप से ही मारूंगा, बाहर की तरफ आता है, बॉडी डैमेज लगता है, ये भी मारने का ट्राई करता है बट गाइस फिर से बच जाता हूँ मैं। एंड गाइस इधर पे एक नंबर वन टैप लगता है इसको। एंड गाइस इसके बाद भाई अभी मेरे को इनकी इंसल्ट करनी थी, इनको ग्रुप में बुलाता हूं। बुला बुला। हाँ हेलो मुखिया, काहे का मुखिया है बे तू, काहे का मुखिया है बे तू, तेरी तो अकड़ी सारी निकाल दी उधर पे कस्टम में। अरे भाई क्या ही मारता है रे तू भाई। अरे वो निब्बी कहाँ है? अरे अरे निब्बी आ गई। हाँ क्या हुआ, निकल गई सब आकड़? अरे नूबड़ा ऐसे हम दे देते हैं, हम नूबड़ों को जीतने दे देते हैं। मतलब भाई अभी तक मतलब रस्सी जल गई और बल नहीं गया है तो? देख रहा है, पता चल गया इधर से औकात का। अरे भाई आप क्या ही मार रहे थे, सच्ची में यार मजाक नहीं कर रहा हूँ कसम से, क्या ही एड में एड मारे जा रहे हो भाई। पहले पहले सुनो सुनो, पहले सॉरी बोलो कि भाई आगे से हम ऐसा नहीं करेंगे, किसी भी बंदे की ऐसे इंसल्ट नहीं करेंगे पीठ पीछे, जो भी बोलना है भाई मुंह पे बोलो ना, दम होना चाहिए भाई। आज के बाद मैं किसी को नहीं बोलूंगा भाई, सॉरी भाई, रिक्वेस्ट ले लो भाई। ये इससे भी बुलवाना, ये नूबड़ी एस करके है, आई लव यू। अबे चल इधर से आई बड़ी, मतलब देख रहा तेरा भाई कुछ भी कुछ भी। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना यार। गाइस इस बंदे की रिक्वेस्ट मैंने उठा लिया, और गाइस ये लड़की क्या बोल रही है लिटरली भाई, मेरे को हंसी आ रहा है, मतलब भाई कुछ भी। एंड वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मिलता हूँ यार आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना।